मैंने ज्वाइन कर लिया था एक ऐसा माइनक्राफ्ट सर्वर जहाँ पे बहुत सारे इवेंट होते हैं और इवेंट जीतने के बाद तुम्हें कुछ प्राइज मिलते हैं और उस प्राइजेस में कस्टम वेपन्स होते हैं। मजे की बात तो यह है कि ये सर्वर हेड स्टील है, तो हमारे पास सिर्फ एक लाइफ है, मरने की नहीं हो रही है। तो सबसे पहले मैंने सर्वर ज्वाइन किया और पहुंचते ही मुझे मिला एक स्पॉन किलर जो कि बहुत ही ज्यादा प्रोफेशनल था। अब ये कौन है? हेलो हेलो, कैसे हो दोस्त? लेकिन उसको किसी ने भगा दिया। हेलो हेलो हेलो, हाथ में टोटम रखो, बहुत डेडलीस्ट एसएमपी में हो इस समय आप। तो उस डेडलीस्ट एसएमपी में मुझे चट्टी बनियान मिल गए थे, स्ट्राइकर गेमिंग ने मेरी हेल्प कर दी। तो इस एसएमपी का सिस्टम ये है कि यहाँ पे एक टीम है जो कि भाई दुष्ट टीम है जो चीटिंग वीटिंग करती है, बट दे आर पावरफुल, तो उनके ये मजदूर है, इन लोगों से बदला लिया जाए। देखो तुमको भी मारा ही होगा भाई, मारा तो बहुत है, मैं इनके लिए स्लेवगिरी करता हूँ ना। मजदूर हो तुम इनके। स्ट्राइकर गेमिंग की दुखद कहानी सुन के मुझे बहुत ही ज्यादा दुख हुआ। सुनो तो तुम इस एसएमपी में बिल्कुल अकेले हो, तुम्हारा कोई दोस्त चड्डी बड्डी है? भाई खोपड़ी पे ना बैठो। हेलो भाई, कोई दोस्त नहीं है मेरा। इसके जिंदगी में तो हमसे भी ज्यादा दुख है भाई। तो अब बताओ इनको मारने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? अरे भाई मेरी पत्ते फ्लावर होती है भाई। हैं, क्या होती है? उसके बाद तुम्हारा भाई चला गया स्ट्राइकर गेमिंग का बदला लेने के लिए, जो कि बहुत ही बुरा आइडिया था। हेलो, आओ बाहर आओ, बाहर आओ। एक मिनट, पहले तेरे को ये बता, तेरे को आईपी कहां से थी? और भाई वो सब छोड़ो, चोरी भाई करी उसने भाई आर्मर। अबे चोरी नहीं, ग्राइंड किया। हेलो, मैं 3 दिन पहले से आया हूँ, दूर हटो, दूर दूर। फिर पता नहीं ये लोग एक घर गिफ्ट करने लग गए। अरे कुछ नहीं है यार, एक बार आओ तो। भाई तुम मजाक समझ रहे हो, इधर आओ यार, एक बार आओ तो। भाई मैं लॉलीपॉप मत दो समझे। हेलो, मैंने सोचा भाई ये कोई ट्रैप रैप हो सकता है, पहली फुर्सत में यहाँ से निकलो, इन लोग को बाद में देखेंगे। अबे भाग गया भाई ये बंदा यार, क्या भगोड़ा बंदा था भाई, लेजिट यार। अब बारी आ गई थी जिसके लिए हम लोगों ने सर्वर ज्वाइन किया था, इवेंट्स मतलब मजे के लिए। तो चलो भाई, ओनर ने बुलाया सबको। तो हेलो गाइस, आज एक इवेंट होने वाला है जिस इवेंट में 3 लेवल होंगे, जो भी वो इवेंट जीतेगा उसको एक नेदरराइट का आर्मर और बहुत सारे टूल्स मिलेंगे। मैं नहीं आऊंगा, मेरे दोस्त स्पेक्टेटर आएंगे जो तुम्हें ऊपर से देखेंगे, ठीक है? सबसे पहला राउंड था बोट रेसिंग का। वेलकम सभी लोगों का, अभी थोड़ी देर में रेस स्टार्ट होने वाली है, जो भी चीटिंग करेगा उसको हम लोग निकाल देंगे। 3, 2, 1 गो। रेस स्टार्ट हुई, मेरी थोड़ी बोट स्लो थी लेकिन भाई मैंने कवर अप कर लिया। बाद में मुझे पता लगा लौंडे एंडरपल मार मार के रेस पूरी कर रहे थे, और वो जो स्पेक्टेटर आया था वो भाई कुछ बोल ही नहीं रहा था। अच्छा इधर एक लैप तो हो गया भाई। अबे ये लौंडे पल मार रहे, लो चीटर। अब ये क्या है भाई, ये तुमको दिखाई नहीं दे रहा क्या भाई? हेलो, चुपचाप खेलो, कोई चीटिंग नहीं कर रहा भाई। तू लिटरली अंधा है क्या? मेरे सामने वो पैदल चल के जा रहा है। चुपचाप खेलो वरना डिस्क्वालीफाई कर देंगे। वो भाई देखो सीधे पैदल चल के आ रहा है, मैं भी पैदल चल के जाऊंगा। सेकंड राउंड से पहले बात कर लेते हैं आज की वीडियो के स्पॉन्सर के बारे में। पिछले वीडियो में हम लोगों ने हिटपॉ वॉइस चेंजर का यूज किया था, अब हम लोग हिटपॉ ऑनलाइन वीडियो एनहांसर का यूज करेंगे, जिससे तुम्हारी भाई बेकार क्वालिटी वाली वीडियो हाई क्वालिटी में कन्वर्ट होगी और मैं सब कुछ तुम्हारे सामने करूंगा। तो हम लोग चलते हैं, ये रहा AI वीडियो एनहांसर, इस पे क्लिक करते हैं और एनहांस नाउ पे क्लिक करते हैं। तो हम लोग यहाँ से कोई भी फाइल सेलेक्ट कर सकते हैं अपने पीसी से, और ये जो औकात दिखा दी वाली मीम थी इसको हम लोग एनहांस करेंगे, इसकी क्वालिटी बढ़ाएंगे, ठीक है? ये मेरे पास लो क्वालिटी थी, ये अभी लोडिंग ले रहा है। तो ये आ गया हमारा प्रीव्यू, प्लीज क्लिक। तुमको पता लग जाएगा कि तुम्हारी जो वीडियो तुमने एनहांस करी है उसमें कैसा फेस कैसा आएगा। देखो इस हिसाब से ये वाली अपनी रियल क्वालिटी थी और इसने ये इसको बनाई है। अब तुम लोग सोचोगे इसको डाउनलोड कैसे करना है। जैसे तुम डाउनलोड पे क्लिक करोगे, इधर तुमको जीमेल डालनी है, जिस जीमेल पे तुमको ये वीडियो चाहिए। तो मैं डाल देता हूँ अपनी जीमेल। अब हमको वेट करना है कि इनका मेल आएगा हमारे पास। तो तुम लोगों को फर्क दिख ही रहा होगा लो क्वालिटी और हाई क्वालिटी में। तो इस वीडियो एनहांसर को डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में पिन कमेंट में इसकी लिंक मिलेगी, तो जाके डाउनलोड करो हिटपॉ ऑनलाइन वीडियो एनहांसर। सेकंड राउंड था हमारा पार्कोर। ये होने वाला है पार्कोर, इसमें जो भी गिर गया उसको लौट के सीढ़ियों पर वापस आना है और दोबारा से स्टार्ट करना। 3, 2, 1 गो। कोई धक्का मुक्की नहीं करेगा। ओके भाई, मैं तो आ भी गया। और क्रीपर है भाई नीचे। अबे ये देखो पल मार के जा रहे। हेलो, ये भी उसी बोट वाले की तरह रहेगा क्या? मैं भी पल ही मार के जा रहा भाई, हटाओ। अरे देखो चीटिंग कर रहा है। स्पेक्टेटर था ना वो मेरी ही खोपड़ी के ऊपर खड़ा था, उसको दुनिया के किसी प्लेयर से मतलब नहीं था, सिर्फ उसको मुझसे ही मतलब था। थोड़ी देर स्ट्रगल किया फिर उसके बाद मैंने भाई पल मार दी, जो होगा देखा जाएगा। ये है तीसरा राउंड और ये होगा मेज का। इसमें कोई भी चीटिंग नहीं करेगा क्योंकि पिछले 2 मैच में कुछ ज्यादा ही चीटिंग हुई है। तो चलो चालू करते हैं भाई, इसमें तो F5 भी नहीं कर सकते। शिट, ओए ये डबल डबल, ये देखो चीटिंग वाले बाहर हो जाएंगे।
अरे ओनर साहब आप कुछ भूल गए क्या? हम लोग मेज में जूझ रहे थे भाई, ये जो सुशील वॉरियर करके बंदा है ना, मुझे लग रहा भाई इसी ने ये मेज बनाया था। इसकी तुम तेजी देखो जरा भाई, इसको जैसे पहले से ही पता है भाई कि कौन कौन से रास्ते पे जाना है। एंड हुआ भाई यही जीता, और हमारी आंखों के सामने भाई उसको फुल टैग नेदराइट का आर्मर मिल गया। तो जज साहब ये बताइए कि आप इतना उन लोग की तरफ झुके हुए क्यों थे, क्या मजबूरी थी आपकी? मैं चीटिंग इसलिए इग्नोर कर रहा था क्योंकि वो ओनर के बंदे हैं और ओनर नहीं चाहता कि कोई और बंदा पावरफुल हो। इसके बाद हम लोग थोड़े उदास हो गए, मतलब जब ओनर ही नहीं चाहता कि भाई कोई और बंदे के पास पावर हो तो क्या फायदा। लेकिन कुछ दिन बाद फिर एक इवेंट आया। तो ये है एक इलीगल ट्राइडेंट। इस ट्राइडेंट को पाने के लिए तुम्हें हेड कलेक्ट करने पड़ेंगे। जो सबसे ज्यादा हेड लेके आएगा वो इस इवेंट का विनर होगा और उसको ये ट्राइडेंट मिलेगा। ले पीडी, इसको संभाल के कासल में रख दे, मैं आजकल बिजी रहता हूँ तो अब इसकी जिम्मेदारी तेरे ऊपर है। ये किसी और के पास नहीं जाना चाहिए और ना ये खोना चाहिए। अरे कोई बात नहीं, मैं अच्छे से रखूंगा। हाँ तो मैं चलता हूँ अब। यही एक इवेंट है जिसमें हम लोग ये ट्राइडेंट पा सकते हैं। ऐसा तुम लोग सोच रहे होगे, घंटा भाई हम लोग इसको चोरी करेंगे, क्योंकि अगर इवेंट गए तो भाई वो वैसे ही गिफ्ट में दे देगा ओनर अपने लोंडो को। इवेंट से पहले ही चुरा लेते हैं ना, कैसा लगा मेरा प्लान? तो हम लोग वहाँ पे छुपे हुए थे स्नीक करके। जैसे ही भाई ये PT4 गया, हम लोगों ने इन्विस के पोशन लगाए, पीछा करना चालू कर दिया। रात भर इसका पीछा किया, पता नहीं ये कहाँ कहाँ टाइल रहा था। रात से सुबह हो गई इसका पीछा करते करते, और ये हमारे व्यू डिस्टेंस से बाहर हो गया था। लेकिन जो चीज व्यू डिस्टेंस से बाहर नहीं थी वो थी एक ह्यूज कासल, मतलब उठाया हुआ लग रहा था सीधी बात बोलूं तो। तुम्हारे पास एक यही मौका है इन लोगों से बदला लेने का, तो जाओ और उसको पेल के आओ। भाई आप नहीं चल रहे हो? मैं चला तो जाऊं लेकिन थोड़ा डर लगता है, तो तुम जाओ। मुझे लग रहा है कि तुम बिल्कुल परफेक्ट आदमी हो जाने के लिए। उसको पेल के आना, वो बंदा ऐसा कुछ खास लग नहीं रहा है, जाओ। और सतर्क रहना, और अगर पकड़े जाना तो मेरा नाम बिल्कुल मत लेना। ठीक है। यही आखिरी वो टाइम था जब मैंने स्ट्राइकर गेमिंग को देखा जा रहा था मेरे सामने से, और अचानक से मेरे सामने से गायब हो गया। थोड़ी देर बाद भाई जब मैं छुपा था, एक ये मैसेज आया, भाई यहाँ पे जो भी था उसने मेरे टीममेट को बैन कर दिया, और ये हेड स्टील SMP है, क्या पता उसका हेड भी डिस्ट्रॉय कर दिया हो। फिर थोड़ी देर बाद मुझे मिलते हैं अजीब से लोग। हेलो हेलो फाइनॉक्स। हेलो, तुम लोग कौन भाई? तुम यहाँ पे अकेले कैसे घूम रहे हो? मैं बस ऐसे जंगल एक्सप्लोर कर रहा था। हमें अपना सामान दे दो वरना तुम्हें यहीं पे मार डालेंगे। क्यों भाई, मैं अपना सामान क्यों दूं? दूर रहो, पहले ये लोग हाथ क्यों चला रहे, दूर रहो। तो जब इसने मुझे पर्सनली धमकी दी तब मैं भाई इनकी बातें सुनने लग गया, तो मैं दे रहा हूँ। चलो भाई मैं दे रहा, ये दो, और उसके बाद तुम्हें हमारे साथ चलना ही पड़ेगा। चलो मैं दे रहा, बट मेरे को कुछ होना नहीं चाहिए, ठीक है भाई? ये लोग ज्यादा क्रीपी लग रहे हैं साले लोग। दे रहे, रुको, सब कुछ दे रहा, ठीक है, सब उठा लो भाई, 3 का मिल रहा है। इसको तुम लोग लूटे जाना भी बोल सकते हो, या शायद बच्चे उठाना। फिर उसके बाद ये लोग अपने विलेज या टाउन जो भी इसको बोलते हैं ये लोग, वहाँ ले गए, और एक बहुत ही ह्यूज पेड़ था, बिल्ड था कस्टम बिल्ड, वहाँ पे ले गए और अपने मालिक से मिलवाया। तो एक और बकरा मिल गया। केबल्टी तुम जाओ यहाँ से, किसी और को लेके आओ। तो तुम इस जंगल में क्या कर रहे थे जो की एक हेड स्टील सर्वर है, वो भी अकेले? भाई ये जो काले कासल के सुअर लोग है ना, इनके बारे में अकेले घूम रहा था। कासल वालों ने ऐसा क्या करा, थोड़ा अच्छे से बताओ। ये तो है, कासल वाले अपनी औकात तो दिखाते ही रहते हैं। कासल वालों ने तुम्हारे साथ भी कुछ पंगा किया क्या? ये बहुत पुरानी बात है, मैं और मेरी जो टीम थी हम उस कासल के वन ऑफ दी बेस्ट PPS होते थे। हमारे एक लीडर थे उधर ही, तो उन कासल वालों ने हमारे लीडर को मार दिया था बिना बात के और बैन कर दिया। हम सभी को बल्कि उन लीडर से बहुत प्यार था। तो ऐसा करते हैं ना, कासल वालों से आपको भी दिक्कत है, कासल वालों से मुझे भी दिक्कत है, तो हम लोग साथ में मिलके उन लोगों की खोपड़ी चिटकार देते हैं। बताओ, हमारा कासल से कोई लेना देना नहीं है, हमारा लीडर नहीं तो कासल भी नहीं। यार ऐसा जुलम किस बात का, थोड़ी तो हेल्प करो। अनुमति देता हूँ थोड़ी सी कि तुम यहाँ पे थोड़ा अपना ग्राइंड वाइंड कर लो, और तुम्हें मैं अपना एक टीममेट देता हूँ जो तुम्हारा ध्यान रखेगा। SL? Yes, boss. देखो वो फाइनॉक्स है, मैं तुम्हें उनके पास भेज रहा हूँ और उनको प्रोटेक्ट करना, ठीक है? जाओ। ठीक है। तो एक SL गेमिंग के आने से हमारा भाई कुछ होगा नहीं। हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने IP बिल्कुल लीक कर दी और सारे लौंडों को बुला लिया, और नदी वदी पार करके सारे लौंडे आ गए उस टाउन में, ले जाके सारे लड़कों को बोला कि भाई अभी यहीं पे खड़े रहो, और सुबह जैसे ही हुई जी लेजेंड के सामने पेश कर दिया भाई सबको, देखो मैं इतने सारे बंदे ले आया, और ये मेरी एक छोटी सी आर्मी है जो कि कासल वालों की गुद्दी ऐंठ देगी। तो हमसे बिना पूछे तुम इतने विलेज में बंदे कैसे ले आए? भाई तुमने तो पहले छूट मना कर दिया था कि हम तुम्हारे साथ लड़ेंगे नहीं, तो मैंने सोचा कि भाई मैं ही इतने सारे बंदे बुला लेता हूं जो मेरी तरफ से लड़ेंगे, तो मैंने IP लीक कर दी। अरे तो एंट्री तुम्हें दी थी मैंने, तुम्हारे टीममेट को थोड़ी दी थी। भाई ये सब दोस्त हैं, दोस्त नहीं हो तुम लोग? उछल के दिखाओ जरा साथ में। देखो कॉपी भाई भी आए हैं, थोड़े लो बजट वाले।
देखो देखो तुम्हें मैंने पहले ही बताई थी, दोबारा बता रहा हूँ, सामान हम नहीं दे सकते, बाकी ग्राइंड तुम अपना खुद करना। तो ये रहे हमारे सैनिक लोग, भाई बिल्कुल बेहतरीन, ये लोग पीपी की प्रैक्टिस कर रहे हैं और कुछ लोग भाई आपसी में मर गए हैं और कुछ लोगों को कासल वालों ने खरीद लिया है, वो अब उनकी तरफ से लड़ेंगे कुछ दिन बाद। तो इनमें से भी हम लोगों ने उन बंदों को चुना जो एक्चुअली हमारी बात सुनने, बाकी सब भाई इधर उधर घूम रहे थे, दिमाग खराब हो रहा था, तो कुछ चुने हुए लोगों को एसएल गेमिंग पकड़ के लाया। अरे फाइनॉक्स भाई, यहाँ खेत में क्या कर रहे हो आप? मैं बस खाना इकट्ठा कर रहा था, बताओ क्या हुआ? अरे हाँ सुनो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है फाइनॉक्स भाई, जितने आपने बंदे गए थे हमने वहाँ पे सारे के सारे बंदे रेडी कर लिए हैं। हेलो सारे लोग, कैसे हो भाई, कुछ बोलो, जिंदा लाश नहीं। हेलो 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 यो। तो सुनो, हमारा प्लान ये है, हमको कोई चीज हासिल करनी है, वो एक कासल में है एंड वहाँ पे बहुत ज्यादा गार्ड्स हैं, ठीक है, और हम लोग 1v4 1v40 तो कर नहीं सकते, तो तुम लोग हमारे गुरिल्ला वॉरफेयर सुना है किसी ने? एंड तुम लोगों की पीपी भी ठीक है ना, बोलो। एकदम मस्त है। बस 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 बस, 3 2 1 गो। तो हम लोगों का एक सिंपल सा प्लान था, दिमाग वाला, वो प्लान ये था कि इनविज लगा के कासल के जितने गार्ड है उनकी संख्या कम करना, गिरना नहीं कोई, मैं जब बोलू 3 2 1 तो इसको पेलना चालू कर देना और दूर रह के एक दूसरे को मनवाना। 3 2 1 पेलो। जब हम लोगों ने पहले गार्ड को अटैक किया तो हमारा एक टीममेट भी मर गया, इससे हमको समझ में आया कि भाई ये प्लान बहुत ही ज्यादा कमजोर है, इसमें हम लोग एक हिट में मर जाएंगे। और गार्ड्स को भी शक हो गया था, वो बाहर से बिल्कुल गेट पे पहरा देने लग गए। तो अब हम लोगों को सीधे अंदर जाना, ठीक है, ठीक है, रुकना नहीं कहीं भी। ओके बॉस, वहाँ दो लौंडे हैं। तो ये बताओ जाना कब है भाई? मुझे वो जो काली काली जगह है उधर जाना है। धीमे धीमे, ये सोचो ये लोग एग्जिस्ट ही नहीं करते। एसएल भाई कहाँ हो? मैं पहुँच गया वहाँ पे। कहाँ पे? वहीं जहाँ आपने बोला था। आर्मर पहनो, आर्मर पहनो पहले। आगे इधर इधर इधर। अरे तुम लोग कौन हो और तुम लोग यहाँ कैसे आए? तुम लोग जो भी हो यहाँ से जिंदा वापस नहीं जा पाओगे। तो भाई तुम लोग कौन हो? हम कासल के गार्ड है। गार्ड हो मतलब हम लोग आगे नहीं जा सकते? नहीं। और तुम हमें कैसे रोकोगे? गुड क्वेश्चन। फिर वहाँ टपके जी लेजेंड। अरे जी लेजेंड भाई, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं फाइनॉक्स की हेल्प करने आया था इधर। फाइनॉक्स तुम यहाँ से जाओ, इन्हें मैं देखता हूँ। चल भाई चल भाई, हमें तो देखो। जी लेजेंड भाई, 6 बंदे थे आप। पल नहीं है, पल नहीं, रुको। ले भाई पल, ले ले ले, जल्दी आ, पकड़ जल्दी आ, जल्दी आ, जल्दी आ। कहाँ बच के जाएगा? तो देखो यहाँ पे कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या है भाई, बटन अटन ये क्या है? यहाँ से तो लाइटें जलती हैं। क्या डिस्को है क्या? इधर रखी हुई है खूब सारी माइन कार्ड। तो एसएल भाई पहले मैं जा रहा हूँ और हाँ, तुम हाँ, मेरे पीछे आना, ठीक है? अबे ये जगह तो बढ़िया बर्फीली है। सब अच्छा है भाई वहाँ? रुको देख लें दो यार। ये रेलगाड़ी हमको ले गई थी कासल वाले गार्ड्स के स्टेसिस चैम्बर्स के पास, जो कि बहुत ही खतरनाक बात थी। अबे बताना यहाँ ट्रैप है? आ रहा हूँ मैं। एसएल भाई मत आओ। अबे फाइनेंस भाई ये क्या? अबे भाई ये देखो, उतरो भाई, इधर तो गार्ड्स हैं। फाइनेंस भाई तुम्हें क्या लगा तुम वहाँ से बच के निकल जाओगे? भाई हमको तो लगा रेल की पटरी है, आराम से टहलते टहलते आ गए। एसएल भाई जितनी भी लड़ाई सीखे हो आज आजमानी पड़ेगी भाई। चलो भाई भाई, इधर तो क्रिट मारने की खोपड़ी में जगह भी नहीं, खुले में आओ भाई। हेलो भूत भर रहे भाई ये लोग। हेलो एसएल भाई, एसएल भाई ये लोग चार हैं, अपने को निकलना पड़ेगा। खींच भाई, हेलो कौन था? फाइनॉक्स भाई कुछ करो। धन्यवाद जो भी थे भाई, थैंक्स, अच्छे टाइम पे किया। हम लोग मार ही देते, कोई बात नहीं। कि हम लोग को कासल की जो सबसे ऊपर का पॉइंट है ना, यहाँ हम लोग जाएंगे कैसे? कम से कम वो 300 ब्लॉक ऊंचा तो है ही। गुड क्वेश्चन। शायद फ्लाइंग मशीन से। तुम लोग सोच रहे हो कि भाई हम लोग ऊपर क्यों जा रहे हैं? तो मैंने सोचा था कि ऊपर जाके बिल्कुल कासल के चारों ओर का व्यू मिलेगा हमको और हम लोग रिप्ले मोड से देखेंगे कि भाई वो ट्राइडेंट किधर रखा हुआ है। ये है प्लान। वो ये क्या है? माचिस की तीली। ये क्या है? इसको बोलते हैं हम लोग वॉच टावर। तो इधर फ्लाइंग मशीन तो है नहीं, तो कैसे आएंगी फ्लाइंग मशीन? चलो। ओह शिट, मैं गिर गया। 3 2 1 गो। भाई 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 इस बार बचे हैं। सही जगह पे है ना? अबे बिल्कुल सही जगह है भाई ये तो। सुनो ये मशीन बंद कैसे होती है? हीरो नहीं बनना, हीरो नहीं बनना, वरना देख रहो अस्थियां भी नहीं मिलेंगी। वैसे टोटम है अपने पास, आ जाओ अब इनको जाने दो। हेलो फाइनॉक्स भाई मैं आ गया। हेलो तुम कहाँ से आए भाई? बबल एलिवेटर से। आपको पता नहीं क्या इधर एक बबल एलिवेटर भी है? हाँ। को किसने प्लान दिया था भाई? हेलो, अबे हमारे दो सैनिक मर गए बे। तो अब यहाँ से क्या करना भाई? अबे ये लोग कौन है? फाइनॉक्स अब बच के कहा जाएगा? फाइनॉक्स भाई मुझे थोड़ा काम है। ठीक है आप लोग कंटिन्यू करो, बाय बाय। रॉकी भाई गोची दे के भाग गए और अपने पीछे लौंडे भी ले आए बबल एलिवेटर से। फाइनॉक्स भाई अब क्या करें? अब भाई करना क्या है, जो होगा देखा जाएगा। फिर सडनली पता नहीं कहां से सब कुछ रुक गया। भाई ये क्या हो गया, हम लोग हिल क्यों नहीं पा रहे हैं? तीर चलाए पड़े थे लेकिन एक भी तीर अपने तक पहुंच ही नहीं रहा था, किसी के खोपड़े में कुछ नहीं घुस रहा था, क्या हो रहा है? हम लोग हिल क्यों नहीं पा रहे हैं? हेलो फाइनॉक्स ऊपर देखो। किधर ऊपर भाई? हम तो फ्रीज है, हम कैसे देखेंगे? अच्छा रुको मैं तुम लोग
अनफ्रीज करता हूँ। ओके तुम लोग हुए अनफ्रीज। हाँ भाई तुम कौन हो? सवाल जवाब करना गलत है, तुम लोगों की जगह होता ना तो मैं इधर से निकलने का सोचता। ओके अबे तुम लोग मूव कर पा रहे हो? इनको तो अनफ्रीज करो। ओके करता हूँ रुको। चलो हेलो एसएल एसएल अब हम लोग यहाँ से निकलते हैं इन लोगों से दूर। चल 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 चलो। तो हम लोग टॉप पे गए थे ट्राइडेंट ढूंढने के लिए रिप्ले से, लेकिन रिप्ले से हमको ट्राइडेंट तो नहीं मिला, कुछ और मिला जो कि बहुत मस्त है। बहुत पावरफुल है ना ये बंदा, भी बहुत पावरफुल है। ये सर्वर का अननोन ओनर है, मतलब जो इसने किया वो प्लेयर्स तो कर ही नहीं सकते। देखो वहां पे कासल में हम लोग पेले गए और भी एक बंदा पेला गया, वो जी लेजेंड था। अबे इतने बिस्तर कह रखे हो ये कैसा घर है? हाँ तो देखिए जी लेजेंड भाई आपने हम लोगों को बुलाया था। अभी मेरे को चाहिए बदला, वहाँ पे बहुत कुटाई हुई थी मेरी। तो हमने सुना था कि आप बेस्ट पीवीपीयर थे और वहाँ पे तो आपको दौड़ा के मारा गया। अरे वो तो मैं तुम्हें बचाने आया, वरना बहुत मारता हूँ उन लोगों को। तो जो मेरी टीम है फिलहाल वो है नहीं, वो कहीं और गई हुई है। जैसा कि तुम्हारे पास बहुत सारे बंदे हैं तो मेरे को तुम में से बंदे चाहिए। तुम में से मतलब हम तो हैं ना, तीन बंदे हो गए, चार बंदे। अरे तो बाकी और भी तो थे तुम्हारे, कहाँ है वो? भाई उनकी बात ना करो, भूखे नंगे हैं। अरे तो उन नंगों को मैं स्टैक अप करा दूंगा, वो मेरे पे छोड़ दो ना, जितने साथ दे सकते हो उन्हें तो लाओ। तो जी लेजेंड का इस सर्वर में एक धंधा है, वो धंधा है भाई लोगों को लूटने का, समझ रहे हो? ये भी कोई दूध का धुला नहीं है। इस पे भी हमको भरोसा करके इसके साथ जाना पड़ा और छलांग मारी तो देखा एक सीक्रेट वॉल्ट था और वहाँ पे भाई रंग बिरंगे कपड़े थे। फिर हमने भाई सर्वर में जितने भी गरीब गरीब लौंडे थे सबको बुला लिया और बोला कि भाई यहाँ पे फ्री का आर्मर मिल रहा है, सारे के सारे दौड़े चले आए। सारे लोग चले गए अंदर, जो भी तुम लोग को चड्डी बनियान पसंद आए वो ले लेना। यार वहाँ पे तो इतने सारे बंदे हैं तो इधर इतने से सॉरी, बट हम लोग बहुत हैं, तीन तीन छह बंदे चले। देखो एंट्री को लेके कोई जोक नहीं मारेगा, मालूम है थोड़ा कैजुअल वॉक है। को इधर दो ही गार्ड बचे हुए हैं, पहली बाधा जो अपनी है ना वो ये लोग हैं, तो चलो इनको पेलते हैं। तो अब कासल में ज्यादा गार्ड बचे नहीं थे, जितने भी गार्ड थे भाई तुम लोग देख ही रहे हो कि हम लोग क्या ही डोमिनेट कर रहे हैं बेहतरीन। अब बस लग रहा था भाई कि अब वो ट्राइडेंट अपने हाथ में ही है, बस इन लोग को पेलना है और ट्राइडेंट ढूंढना जाके। लेकिन किसी एक गार्ड की चुल मचती है और वो चला जाता है PD4 के पास। PD4 वही बंदा है जिसका रात भर हम लोगों ने नंगे होके पीछा किया था, आई मीन विदाउट आर्मर। चलो ओनी बॉय देखते हैं कौन आया है। हेलो PD भाई कैसे हो? सारे अपनी जगह पर रुक जाओ। क्यों बे, तेरी क्यों सुनेंगे हम? क्योंकि मेरे पास ट्राइडेंट है। PD4 ये सब क्या है भाई, तुम खुद क्यों यूज कर रहे हो? तुम लोग चोरी करने आए हो, उसके लिए मुझे इसे यूज करना पड़ेगा। अभी ऐसे कैसे मार सकता है? ऐसे मार सकता हूँ। लौंडो यहाँ खड़े खड़े देख क्या रहे हो, पकड़ो इसे। अब नहीं छोड़ना भाई इसे। तुम लोग लड़ो मैं चला। अबे रुक। अबे यार ये भाग गया यार। हेलो PSD भाई। हाँ बोलो फाइनॉक्स। मेरी एक हेल्प कर दोगे? क्यों क्या हुआ? मैं एक हेडस्टील SMP में खेल रहा हूँ और वहाँ पे बंदा है जिसके पास वन हिट ट्राइडेंट है, और जब भी हम लोग जाते हैं भाई वो हमारे किसी न किसी टीममेट को मार देता है। हम लोग पास अगर टोटम ना हो तो भाई वो हम ही को मार देता है। तो भाई हमें पूरी गैंग की मदद चाहिए, चड्डी गैंग की। देखो इस मिशन के लिए पूरी टीम की बिल्कुल जरूरत नहीं है भाई, सिर्फ एक ही बंदा काफी है। तुम लोग स्टीवी को ले जाओ, वो अकेला ही काम तमाम कर देगा पूरा। ठीक है मैं स्टीवी को ही ले जाऊंगा, लेकिन अगर स्टीवी के साथ कुछ गेम खेला तो? अरे कोई गेम नहीं खेल रहे हम लोग, उसकी मदद ही चाहिए हमको, वो गेम खेलेगा जाके। चलो भाई ज्वाइन। ज्वाइन यस कमिंग दोस्तों। कहाँ गए? हेलो टीवी इधर 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 दिख रहा है, भंडारा लगा इधर, रुको मैं भी आ रहा हूँ। यो हेलो फाइनॉक्स भाई कैसे, मैं आ गया। व्हाट यू वांट? अभी तुमको तुम्हारे डिजाइन वाले भी कपड़े मिल जाएंगे, रुक जाओ। थोड़ी देर बाद पता लगा कि भाई PD4 पगला गया। अरे हेलो फाइनॉक्स भाई। क्या हुआ? वो PD4 नाम का बंदा यार हम लोगों से बदला ले रहा है, बार बार मेरे को रिवाइव बैन करे पड़ा है। कहाँ पे है वो? अरे थोड़ा इधर आओगे ना अपने विलेज के थोड़ा सा आगे तो मिल जाएगा। हेलो टीवी, तो देखो हम लोग का एक दोस्त है SL Gaming YT, उसको किसी ने उसकी मुंडी अपने इन्वेंटरी में रख लिया है। और उसके पास बहुत ही ज्यादा ओवर पावर्ड वेपन है, तो हम लोग सामने जाके उसको मतलब डिस्ट्रैक्ट करेंगे और तुम भाई पीछे से आके एक बार में उसको निपटा देना। ठीक है समझ गया। उस बंदे का नाम PD4MC है, एक ट्राइडेंट होगा वो उठा लेना। ट्राइडेंट? कैसा ट्राइडेंट है? छोटू सा ट्राइडेंट होगा, दिखेगा तुम। करते हैं चलो। अरे भाई छुप गया भाई मैं। तो भाई PD4MC तो बातचीत के मूड ही में नहीं था, सीधे भाई आते ही चालू कर दिया उसने कार्यक्रम। ओए हेलो, अबे ये पगला गया, जल्दी से आओ कोई। अबे टीवी अटैक, बैन होने के बाद आएगा क्या भाई? अब मेरे पास एक ही बचा है बस। ये देखो PD4MC का हेड, इसका क्या करूं? जला दो भाई, मारो जरा आग, जलाओ जल्दी। बस ए गया क्या? तो दोस्तों अब तुम लोगों को मैं दिखाऊंगा इस ट्राइडेंट की एक्चुअल पावर, कितना पावरफुल है ये।
अरे अरे भाई अबे रैम भाई ये कहीं भी गड्ढा कर सकता है और दो तीन देशों की पानी की समस्या भी दूर कर सकता है। किसी भी एनिमी के बेस को मिट्टी में तो नहीं लेकिन पानी में जरूर मिला देगा, इतना पावरफुल है ये। ये तो भाई फील्ड टेस्टिंग थी, एक्चुअल टेस्टिंग के लिए मेरे पास एक प्लान था। अब एक आइडिया है, रुको रुको कासल में मुंह क्या, 3 2 1 गो।